हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के लिए नया चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर पर डिस्कशन करेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर का इन्वेंशन करने की क्या जरूरत पड़ गई, इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। हम लोग नंबर लिखते हैं, नंबर को पढ़ते हैं और आसानी से पढ़ लेते हैं, तो किसी चीज का इन्वेंशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि ताकि हमको पढ़ने में ईजी हो जाए, किसी चीज को समझने में ईजी हो जाए, किसी चीज को बनाने में ईजी हो जाए, इसलिए हम लोग कुछ भी का इन्वेंशन करते हैं। अब रह गया एक्सपोनेंट एंड पावर का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ गई, उसके विषय में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 5 है, 6 है, 7 है, 8, ये बड़ा सा नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 7 है, 6 है, 7 है, 8 है, अब 4 है। अब देख लीजिए तो दिखाई पड़ने के लिए तो ये नंबर दिखाई पड़ रहा है, और कुछ लोग एक शब्द एक झटके में यदि इसका आंसर देना चाहेंगे तो बोलेंगे 3 से स्टार्ट है, बोलेंगे यही छोटा है, स्मॉल है, ये वाला ग्रेटर है, देख करके स्टार्ट से बोल देते हैं। लेकिन ये देख करके हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, पहले इस हम लोग को उसको काउंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना डिजिट का नंबर है, ये कितना डिजिट का नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 डिजिट का नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 डिजिट का नंबर है, इसलिए ये 11 का है इसलिए ग्रेटर होगा, ये 10 का है इसलिए स्मॉल होगा। तो ये झटके में हम लोग इसको नहीं बता पाएंगे कि कौन छोटा और कौन बड़ा, इसके लिए एक दूसरा उपाय ढूंढा गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, नंबर कुछ भी हो उसके लिए। तो क्या क्या किया गया कि इसको क्या क्या एक अंक के बाद पॉइंट डाला गया, एक अंक के बाद पॉइंट डाला गया, और उसके बाद दो नंबर है सो लिख दिए, बाद बाकी नंबर लिखी या नहीं लिखी कोई अंतर नहीं पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पर ये नंबर है तो आपको पता होगा डेसिमल कहाँ होना चाहिए, नहीं दिया हुआ इसमें डेसिमल, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक डिस्प्लेस हुआ यानी बाहर इधर से आया, इसका मतलब 10 का पावर 9। अब इसका बात करते हैं 3.45, अब इसको काउंट कीजिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 3.45 into 10। अब देख लीजिए इस नंबर को देख करके आप लोग आसानी से बता पाएंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा, यहाँ 10 का पावर 10 है, यहाँ 10 का पावर 9 है, यहाँ पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा। यदि नंबर लिखा और आप सेकंड के 100वें भाग में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, इसी ये जो है एक्सपोनेंट एंड पावर के रूप में लिखा हुआ। अब एक्सपोनेंट का कौन कहलाता है, पावर कौन कहलाता है, बेस क्या होता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर नंबर लिखे हैं 10 टू पावर 4, इसको बोला जाता है 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4, और उसके बाद 10 टू द पावर 4, इस ढंग से भी हम लोग बोल देते हैं 10 टू द पावर 4, ऐसे शॉर्टकट भाषा में बोलते हैं 10 टू द पावर 4 बोल देते हैं। इसमें क्या है, ये वाली जो है हमारे पास में 10 है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये 4 जो है ये 4 को बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यही एक्सपोनेंट है, इसको कभी कभी हम लोग पावर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पावर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, ये 3 नाम ऊपर वाले का हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। अब ये पावर, अब ये जो एक्सप्रेशन 10 टू दी पावर कंप्लीट है, एक एक्सप्रेशन है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम लोग पावर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर्स। अब इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा,
ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को पावर बोला जाता है। एक्सप्रेशन क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर इज नोन एज पावर्स। तो ये हम लोग पावर भी समझ गए, एक्सपोनेंट भी समझ गए, बेस भी समझ गए, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज मत कीजिएगा, 10 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू पावर्स लिखे हैं। एक्सप्रेशन क्या है? होल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? तो पावर्स बोलेंगे। इसको भी हम पावर बोलते हैं, इस 4 को भी पावर बोलते हैं, 4 को एक्सपोनेंट बोलते हैं, 4 को इंडेक्स बोलते हैं, और ये 10 जो है हमेशा बेस कहलाता है। इसकी आप ध्यान रखें, ओके। अब आते हैं, ये एक्सपोनेंट हो गया, पावर हो गया, अब इसका कुछ रूल्स होंगे कि कैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैसे डिवीजन करेंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। ये हम लोग अभी एरियाडिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके थे, a टू द पावर m, और दूसरा लेते हैं b का पावर m, दो ले लिए। यहां a और b की बात करते हैं, a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, ए और बी हमेशा नॉन जीरो होगा, जीरो कभी नहीं होगा। यदि जीरो होगा तो इसका वैल्यू नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो अभी आप देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो वगैरह आ रहे हैं, प्रूव कर दे रहा है कि 2 = 3, 4 = 5। अब आप ये नियम को जान जाइएगा कहाँ गलती कर रहा है, आपको दिखा देगा, बना रहा है पूरा का पूरा, आप कहीं गलत पकड़ नहीं पाइएगा। लेकिन यदि आप रूल्स से जानते हैं तो आप जरूर पकड़ लेंगे कि यहाँ पर ये स्टेप ये उनका गलत है, और इसके कारण है सो ये 1 = 2, 2 = 4 प्रूव कर लेते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए एंड बी का अगर नॉन जीरो इंटीजर्स होगा, एम यहाँ पर एम है, और मान लीजिए ए का पावर एन है और बी का पावर बी एन है, यानी पावर जो होगा यानी एक्सपोनेंट जो होगा वो हमारा होल नंबर होगा, यानी पॉजिटिव नंबर में लेके चलते हैं, जनरली हम पॉजिटिव बात करेंगे। आप निगेटिव भी ले सकते हैं, इंटीजर्स भी ले सकते हैं, फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी एम और एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और ए एंड बी का वैल्यू नॉन जीरो। अब नॉन जीरो इंटीजर्स की बात हो रहा है, अब नॉन जीरो बोलिएगा कि सर रैशनल नंबर होगा तो होगा नहीं, रैशनल नंबर भी होगा तो ऊपर भी हो जाएगा, उस पर चिंता नहीं करना। अभी आप जान जाइए कि सिर्फ और सिर्फ आपका मेरा मकसद बनाने का सिर्फ यही है कि ए एंड बी नेवर जीरो, ए और बी कभी भी बेस विल नॉट बी जीरो। यही हमारा मेन उद्देश्य है जानने का, हमेशा जान जाइए कुछ भी नंबर हो सकता है लेकिन बेस कभी भी जीरो नहीं होगा, ओके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन, यदि एडिशन यदि करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, यदि एडिशन होगा, यदि पावर सेम रहेगा तो एडिशन होगा और नहीं तो एडिशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग को a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n जोड़ने के लिए बोला जाए, तो चूंकि ये अलग है, ये अलग है, एक बिरादरी का नहीं, a का पावर n है, a का एक्सपोनेंट n है, m है, यहाँ पर n है, ये आपस में नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा कब? a का पावर m प्लस 2 या a का पावर m, दोनों यदि m है तो आपस में ऐड करेंगे तो 2 a का पावर m हो जाएगा। एडिशन में सेम रहेगा तो जुटेगा, सेम नहीं रहेगा तो जुटेगा नहीं, यह ध्यान रखना। अब मान लीजिए a का पावर, आप बोलिएगा कि यदि a है, a का पावर m और b का पावर m दोनों का पावर m है तो क्या a प्लस बी का पावर एम होगा? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, इसका जानकारी आप रखना है। एडिशन जब होगा तो एक बिरादरी का रहेगा, एक जाति का रहेगा, एक कम्युनिटी का रहेगा, तभी ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। अब दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन। यदि a का पावर m है और a का पावर n है, यानी देख लीजिए जब बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, होगा और a का पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी बेस सेम है
और यदि a का पावर m है और b का पावर n है तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि a का पावर a और b का पावर m और n लिख दीजिएगा, m प्लस n लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। यानी मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो बेस सेम होना चाहिए, तब पावर जुटेगा या घटेगा। यदि एडिशन सबट्रैक्शन आएगा तो घटेगा या जुटेगा, ये ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई कब होगा, बेस जब सेम रहेगा, डिवाइड कब रहेगा, जब बेस सेम रहेगा। यानी a का पावर m और b का पावर n यदि है, यदि इसको डिवाइड कर रहे हैं तो a का पावर m अब माइनस n हो जाएगा, यानी पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा, पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लीकेशन इंडिविजुअल, अब पावर ऑफ पावर यानी a का पावर यदि m है और उसका पावर n है तो ये दोनों आपस में जुड़ मल्टीप्लाई होगा, a का पावर m और n। जैसे a का पावर मान लीजिए 4 है और यहाँ 2 लिख दिए, a का पावर 4 दुनी 8 यानी a का पावर 8, a का पावर 8, 4 उछे नहीं कर दिए। तो इस ढंग का बहुत सारे नियम मिलेंगे और उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ हम लोग रूल्स को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। पहला रूल क्या है, a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा मल्टीप्लाई में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बता चुके पहले, उसमें कुछ भी नहीं होता, सेम सेम रहेगा तो जुटेगा, एक व्यंजक का तो जुटेगा और घटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा नहीं घटेगा। a का पावर m और a का पावर n यानी डिवाइड करना है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, पावर सब पावर a का पावर m का पावर n, तो ये दोनों आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का पावर m और b का पावर m, यहाँ देखिए बेस अलग अलग है, तो बेस अलग अलग है तो पावर सेम रह जाएगा और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा a into b। यहाँ देखिए a का पावर m और b का पावर m, पावर सभी एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है तो क्या होगा, डिवाइड यानी ये दोनों को आपस में आप लोग डिवाइड कर लेंगे, a का पावर 0 इक्वल टू 1, ये आपका रूल्स हो गया, एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो लेकर करके आप कभी प्रूफ नहीं करेंगे, जीरो इक्वल जीरो टू द्वारा जीरो इक्वल टू वन ऐसा प्रूफ नहीं करेंगे। एक यहाँ पर है सेवन नंबर ऑड नंबर, पर मान लीजिए ऑड नंबर आपके पास हो और माइनस है, माइनस अभी ऑड है, वन इसलिए लगा दिया कि जो माइनस के बाद में कोई नंबर होगा तो माइनस लगा हुआ है इसलिए वन लगा दिए, वन का पावर हम लोग वन टू थ्री कुछ भी लिखे गए तो क्या होगा, वन ही होगा। यानी माइनस वन हो गया, माइनस वन का पावर माइनस वन हो गया, यानी ऑड रहेगा तो ऑड हो, ऑड रहेगा तो माइनस माइनस, ऑड का मतलब क्या, वन टू सॉरी वन थ्री फाइव सेवन एट सी रहेगा, तो ऑड नंबर हुआ तो इसको हम लोग पावर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इवन नंबर आएगा यानी माइनस वन का पावर टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, एट सी हो तो क्या होगा, उसका वैल्यू प्लस में होगा। तो ये सारे नियम आप लोग क्लास सेवन के अंतर्गत था हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रही है। एक थोड़ा सा सवाल मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ए का स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 100 है, आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा और ए का वैल्यू मालूम कीजिए, तुम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 10 का पावर 2, यानी यहाँ बेस पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया तो हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू 10 आ गया। उसी तरह से यदि पावर सेम हुआ तो बेस दोनों का सेम होगा, हमेशा ऐसा नियम नियम नहीं है। कैसे मान लीजिए 4 का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है मालूम है आपको, अब 1 होता है 5 का पावर भी 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी ये दोनों बराबर 4 का पावर 0 इक्वल टू 5 का पावर 0 होगा, ऐसा स्पष्ट है, यानी पावर यहां पर 0 सेम दिखाई पड़ रहा है यानी बेस सेम होगा, यानी 4 इक्वल टू 5 ये प्रूफ हो जाना चाहिए था। यही सब को ध्यान रखना, यहाँ प्रूफ हो गया 4 इक्वल टू 5 लेकिन गलती कहाँ है, यहाँ पावर 0 लिखा हुआ, 0 के पावर के रूप में, यानी एक्सपोनेंट जब 0 रहेगा तो बेस हम लोग इक्वल नहीं कर सकते, बेस इक्वल नहीं कर सकते, ये नियम जानना पड़ेगा, कब इक्वल होगा, जब पावर सेम रहेगा तो बेस आपस में इक्वल हो जाएगा, तो कब होगा, एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए तब। ये सारे कुछ और भी बहुत सारे नियम आप लोगों को मिलेंगे अभी क्लास 7 में देखा जाएगा। ओके,
तो हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स का कुछ रूल्स जो था उसको आज हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।